जय श्रीमन्नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 11 विश्वरूप संदर्शन योग श्लोक 54। भक्तिया तु अनन्यया शक्या अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुञ्च तत्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तपा वूम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का विश्वरूप संदर्शन योग की शिक्षा देते हैं। परमात्मा कहता है, अर्जुन किसी भी अन्य फल की इच्छा के बिना किहू हमरे वास्तविक स्वरूप का तभी जान सकत है जब वह केवल हमरे प्रति एकनिष्ठ भक्ति रखत होए। अर्जुन प्रतिफल के रूप में किसी अन्य लाभ के आशा करे बिना किहू हमरे वास्तविक रूप का तभी देख सकत है जब उसके मन में केवल हमरे प्रति एक निष्ठ भक्ति होए। अर्जुन किसी भी अन्य फल की आशा करे बिना केवल हमरे प्रति एक चित्त भक्ति होए पर ही केहू हमरे वास्तविक स्वरूप के पूर्ण अनुभव कह सकत है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट करता है कि उनका जाने के लिए, उनका देखे के लिए, उनका पूर्ण रूप से अनुभव करे के लिए उनके प्रति अनन्य भक्ति ही एकमात्र महत्वपूर्ण साधना है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए श्री कृष्ण परमात्मा का जाने के लिए, श्री कृष्ण परमात्मा का देखे के लिए, श्री कृष्ण परमात्मा का अनुभव करे के लिए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति एक निष्ठ भक्ति का विकसित करब शुरू करें। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनावे के प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करें। भक्तिया त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपा। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसरा वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपके शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे
मां शुचः। मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार सातवां वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतेन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए हैं वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। भक्तिया तु अनन्यया शक्या अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुञ्च तत्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तपा। ॐ भक्त्यात्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुञ्च तत्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीजों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।